दोस्तों भारत आज फिल्म्स बनाने के मामले में सभी देशों से आगे है। यहाँ पर हर साल 1100 से 1500 फिल्में बनाई जाती हैं, जिनमें से 150 से 200 फिल्में तो अकेले बॉलीवुड बना लेता है। इन फिल्म्स की कमाई को लेकर भी मीडिया में आपने चर्चे काफी सुने होंगे। अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, ये वो एक्टर्स हैं जिनकी फिल्मों के लिए 100 करोड़ की कमाई करना तो जैसे बच्चों का खेल हो गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बॉलीवुड इन फिल्मों से कमाई कैसे करता है? ये पैसा कितने लोगों में बढ़ता है? क्या प्रोड्यूसर के पास ही फिल्म की सारी कमाई जाती है? सिनेमा हॉल्स कैसे काम करता है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिल्म्स की बिजनेस में दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स माने जाते हैं, जो है प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। प्रोड्यूसर वो कंपनी या इंसान होता है जो अपना पैसा फिल्म बनाने में लगाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर वो कंपनी होती है जिसकी जिम्मेदारी फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाने और उसकी मार्केटिंग की होती है। बड़ी बजट की फिल्मों में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ही होते हैं। एक फिल्म की कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोड्यूसर उस फिल्म को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और दोनों के बीच एक डील साइन होती है। ये डील कई तरह की हो सकती है। कुछ डील वो होती हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्रोड्यूसर को एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है, जैसे कि अगर 100 करोड़ के बजट की कोई फिल्म बनी है तो 20 करोड़ और बाकी की कमाई के लिए दोनों प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। ये पहला तरीका है जिसमें दोनों में ही रिस्क बराबर डिवाइड हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को पूरी तरह ही डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दे। इसमें प्रोड्यूसर अपना पैसा लेकर बैठ जाते हैं और जो भी रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। शायद आप लोगों ने मेरा नाम जोकर फिल्म देखी हो। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म 1 करोड़ के बजट पर बनी थी और भारत में फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के कारण राज कपूर, जो इसके प्रोड्यूसर भी थे, वो कर्ज में डूब चुके थे। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म के राइट सोवियत यूनियन की कंपनी को बेच दिए। जब सोवियत यूनियन में फिल्म रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म ने 16.8 करोड़ रुपए कमाए, जो आज के समय के हिसाब से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन था। लेकिन क्योंकि राज कपूर ने इस फिल्म के सभी राइट्स उस कंपनी को बेच दिए थे, इसीलिए उन्हें इस कमाई का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच एक और तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोड्यूसर को कुछ भी पहले से पे नहीं करती है और फिल्म का टोटल कलेक्शन में से कमीशन ले लेती है। चलिए, प्रोड्यूसर से ये फिल्म अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गई, अब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फिल्म को चलाने के लिए अब सिनेमा हॉल्स के साथ डील साइन करते हैं। ये डील इस बात पर डिपेंड करती है कि फिल्म किस तरह की है। मान लीजिए किसी स्टार की फिल्म है तो पहले हफ्ते में टिकट का प्राइस आधा आधा स्प्लिट होता है, यानी 50-50। अगर ये एक मीडियम बजट फिल्म है तो सिनेमा हॉल 55% तक कट भी रखता है, और लो बजट फिल्मों में सिनेमा हॉल्स को 60-65% तक का कट भी मिलता है, क्योंकि फिल्म चलाकर भी वो एक रिस्क ले रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पहले हफ्ते के लिए, अगले कुछ वीक्स का कट इस बात पर डिपेंड करता है कि फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म हिट हो गई है और उसने एक तय की गई रकम से ज़्यादा पैसा कमा लिया है, अब ये सिनेमा हॉल वाले डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट दे देते हैं, यानी वो उसे अब 50 की जगह 52% का कट देने लगेंगे और खुद 48% रखेंगे। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट फिल्म में कम हो जाता है, तो अब सिनेमा हॉल वाले ज़्यादा कट अपने पास रखने लग जाते हैं। 4-5 हफ्तों के बाद सिनेमा हॉल्स का कट 50% से बढ़कर 65% तक पहुँच जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 4-5 हफ्ते बाद ये फिल्म सब OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म की टिकट का सिर्फ 35% हिस्सा ही मिल रहा होता है। OTT की डील्स पर आए तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म रिलीज होने से पहले ही OTT प्लेटफॉर्म के साथ एक डील साइन कर लेते हैं। जैसे कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए नेटफ्लिक्स के साथ 30 करोड़ की डील साइन हो गई थी। ये डील कई तरह से की जाती है। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर ने उस OTT को लाइफ टाइम इस फिल्म के राइट्स बेच दिए हों। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म के राइट्स बस कुछ सालों के लिए बेचे जाते हैं। OTT डील्स का एक बड़ा हिस्सा एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यानी कि ये देखना कि फिल्म क्या सिर्फ एक ही OTT प्लेटफॉर्म पर रहेगी या अलग अलग OTTs पर। जैसे रणवीर सिंह की फिल्म 83 नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार दोनों पर अवेलेबल है। जो फिल्में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं, उसके लिए नेचुरली उस प्लेटफॉर्म को ज्यादा पैसे देना पड़ता है, लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव फिल्मों के लिए वो कम पैसा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को ये फिल्म बेचकर कई बार एक सिंगल डील साइन करके ज्यादा पैसा कमा लेते हैं।
इस वजह से इस तरह की डील्स भी साइन की जाती हैं। फिल्म बिजनेस में कमाई करने का अगला बड़ा तरीका है सैटेलाइट राइट्स बेचना। सैटेलाइट राइट्स को आप टीवी राइट्स भी कह सकते हैं। टीवी चैनल फिल्मों को चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं। ये काम भी कई लेयर्स में किया जाता है। अगर कोई फिल्म पहली बार टीवी पर दिखाई जा रही है तो उस चैनल को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, पर साथ ही उसे सबसे पहले फिल्म दिखाने का मौका भी मिलता है, जिससे उनकी टीआरपी काफ़ी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरी तरह की डील्स भी अलग अलग टीवी चैनल्स के साथ करते हैं, जिसमें वो उन्हें भी उन फिल्मों के चलाने का राइट्स देते हैं। अब ये राइट्स किस प्राइस पर दिए गए, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये देखा जाता है कि फिल्म कितनी पॉपुलर है, ये राइट्स कितने समय के लिए दिए गए, क्या किसी और चैनल के पास भी पहले से ये राइट्स मौजूद हैं या नहीं। यानी आपकी स्टार मूवीज से लेकर जी सिनेमा जैसे सभी चैनल्स भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा देते हैं। इस राइट्स के बिजनेस की वजह से ही शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों सेट मैक्स पर ज़्यादातर अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम ही चलती रहती थी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फिल्म के राइट्स नहीं थे। इन सभी डील्स में बहुत सारे अलग अलग मिडलमैन भी होते हैं जो अपना कट लेते रहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कई सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ OTT को देखते हैं, कुछ सिनेमास को और कुछ TV राइट्स को। इन सभी लोगों से होता हुआ फाइनली ये पैसा दोबारा प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि फायदे का सौदा था या घाटे का। बॉलीवुड में काफ़ी पैसा है और साथ ही हमारे देश के स्टार कल्चर के कारण कई सारी फिल्में सिर्फ इन स्टार्स के नाम पर ही बिक जाती हैं, वरना Race 3 जैसी फिल्में जिसे शायद पिछले कुछ सालों की सबसे खराब फिल्मों में कहा जा सकता है, वो 300 करोड़ से ज़्यादा ना कमा पाती। इस कलेक्शन को देखकर ये स्टार भी अब समझदार हो गए हैं और वो सिर्फ अब अपनी फिल्मों के लिए फीस नहीं लेते। कई एक्टर्स फिल्मों में प्रॉफिट शेयरिंग डील्स भी करते हैं, यानी प्रोड्यूसर को मिलने वाले पैसे में से काफ़ी हिस्सा इन एक्टर्स के पास भी जाता है। सलमान खान की बात करें तो नॉर्मली सलमान खान एक फिल्म के लिए 70 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी फिल्म सुल्तान के लिए उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को चुना और इस फिल्म से उन्हें 83 करोड़ रुपए की कमाई हुई, क्योंकि फिल्म ने 500 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे और प्रोड्यूसर तक पहुँचते पहुँचते प्रॉफिट 167 करोड़ का रह गया था। इस 167 करोड़ में से भी डील के मुताबिक सलमान को 50% पैसा दिया गया था। तो ये था बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल। क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि टीवी और न्यूज़ चैनल पैसा कैसे कमाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।